Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till... सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्माएं, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो, आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं उज्जवल सक्सेना और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फोर्ड की रिसेंटली लॉन्च्ड फिगो एस्पायर के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल, एक रीडिजाइंड फ्रंट ग्रिल मिलेगा और ग्रिल के अराउंड आपको क्रोम की हाउसिंग मिल जाएगी। तो ये आप क्लोजर लुक ले सकते हैं फ्रंट ग्रिल का। हेक्सागोनल मैशिंग मिलेगी आपको फ्रंट ग्रिल में। तो ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो फिगो एस्पायर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मिलेगी, मगर अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको पेट्रोल टाइटेनियम मॉडल में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं स्मोक्ड हैलोजन हेडलैम्प्स। प्राइस के बारे में बात करें तो पेट्रोल का बेस वेरियंट स्टार्ट होता है 5.55 लाख से और टाइटेनियम प्लस 7.24 लाख तक जाता है। और ये आप देख सकते हैं सर्कुलर शेप के फॉग लैम्प्स, सेम आपको सी शेप की हाउसिंग, जो कह सकते हैं कि फ्री स्टाइल से इंस्पायर्ड लगेगी, मगर यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे फॉग लैम्प्स हाउसिंग में। और ये आप नीचे देख सकते हैं एयर डैम। अब डीजल इंजन के बारे में बात करें तो इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 6.45 लाख से और टॉप एंड मॉडल 8.14 लाख तक जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन तो स्टैंडर्ड मिलेगा, मगर अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको पेट्रोल के टाइटेनियम मॉडल में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल कार की। साइड प्रोफाइल में आपको देख सकते हैं बॉडी कलर्ड ही हमें डोर हैंडल्स मिल जाएंगे और ये इलेक्ट्रिकली आपको एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलेंगे टर्न इंडिकेटर्स के साथ। डुअल टोन मिल जाती है आपको ओआरवीएम्स पे, बॉडी कलर, डोर हैंडल्स, ब्लैक्ड आउट बी पिलर मिलेगा और ऊपर ये एंटीना देख सकते हैं आप। रूफ रैप आप एज एन एक्सेसरी करवा सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेसरीज के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि फिगो एस्पायर न्यू वाली की एक्सेसरीज की वीडियो बनाऊं। तो ये आप देख सकते हैं रीडिजाइंड मल्टी स्पोक 15 इंचेस अलॉयस। तो चलिए अब आपको रियर प्रोफाइल एक बार दिखा देता हूँ। तो रियर प्रोफाइल में ये आप देख सकते हैं टेल लैम्प क्लस्टर, ये आप ऑटोमेटिक वेरिएंट देख रहे हैं तो ये सिर्फ टाइटेनियम मॉडल में मिलेगा आपको पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ, तो इसलिए टाइटेनियम की बैजिंग। क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे आपको बूट गेट पे, फिगो एस्पायर का बैज। फिगो एस्पायर में आपको रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए रियर बम्पर में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। टाइटेनियम मॉडल में आपको कैमरा भी मिलता है और रियर बम्पर में यहाँ पे आपको एक फेक वेंट्स मिलेंगे, मतलब ये सिर्फ एज अ वेंट दिए गए, एक्चुअल वेंट नहीं है ये, सिर्फ डिजाइनिंग की गई है। तो आप क्लोजर लुक ले सकते हैं, तो काफी अच्छा स्पोर्टी रियर बम्पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैमरा रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस में जो हेल्प करेगा, जिसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मिलेगा फिगो एस्पायर में। चलिए अब आपको मैं बूट गेट ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो बूट गेट ओपन करने के लिए की में ही आपको बटन मिल जाएगा, तो दो बार प्रेस करके बूट गेट ओपन हो जाएगा। ये आपको लाइट मिल जाएगी बूट में और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा R14 स्टील व्हील। तो चलिए अब बूट गेट को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, की को ही आपको इंसर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको फ्रंट कैबिन में मिल जाएगा एक रिक्वेस्ट सेंसर, जिससे ओपन हो जाएगा आपका बूट गेट। चलिए अब ड्राइवर साइड डोर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ब्लैक एंड बीच कलर के इंटीरियर्स मिल जाएंगे आपको ड्राइवर साइड डोर। तो डोर ओपनर पे आपको ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगी, ये आप देख रहे हैं ओआरवीएम के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलेंगे। ब्लैक कलर फिनिशिंग में मिल जाएगा डोर ओपनर। आर्मरेस्ट पे ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, ऊपर मैट फिनिशिंग और साइड में ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग।
पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चारों पावर विंडोज मिलती हैं, साइड में कुछ स्पेस, और नीचे आपको स्पेस मिल जाएगी बॉटल्स, मैप्स, मैगजीन वगैरह रखने के लिए। तो ये ड्राइवर साइड डोर है, तो यहाँ पे भी डुअल टोन दी गई है बीज एंड ब्लैक कलर की, कुछ इस तरह का आएगा फ्रंट कैबिन लुक। सबसे पहले बात करें ड्राइवर साइड एसी वेंट्स की, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर शेप के मिलेंगे, क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाएंगे आपको एसी वेंट्स के अराउंड, नीचे आपको हेडलाइट्स के, बूट गेट ओपन करने के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है पेट्रोल टाइटेनियम, तो नीचे दो पेडल्स। ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट कंट्रोल्स मिलेंगे, तो ये आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट कंट्रोल्स। बीच कलर सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, तो ये आप देख सकते हैं सीट अपहोल्स्ट्री। चलिए अब एक बार अंदर चलते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं सर्कुलर शेप का इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, ब्लैक ग्लॉसी इंसर्ट्स मिल जाएंगे, टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी, और आपको लेफ्ट साइड में कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कॉल कट रिसीव वॉल्यूम अप डाउन के, और राइट साइड में आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलता, ब्लैक ग्लॉसी इंसर्ट मिल जाएंगे आपको स्टीयरिंग व्हील पे, और दो एयरबैग्स मिलते हैं, और ये आप देख सकते हैं की लॉक अनलॉक और बूट गेट ओपन करने के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको की में। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो थ्री डायल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा आरपीएम मीटर, मिडल में स्पीडोमीटर, उसके नीचे एमआईडी जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगी, और राइट साइड में आपको फ्यूल लेवल इंडिकेटर, और ये है नया 6.5 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन शो करेगा, डोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके कोई भी डोर ओपन होंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, और ये सपोर्ट करता है AM, FM, USB, ब्लूटूथ। टोटल चार स्पीकर्स मिल जाएंगे, दो फ्रंट में और दो रेयर में, एम्बेडेड नेविगेशन। टाइटेनियम प्लस में आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाएगा, टाइटेनियम में नहीं मिलता, और नीचे आप देख सकते हैं कुछ कंट्रोल्स, और ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, और ये 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरियंट है, टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है ये, तो गियर लीवर, आपको कुछ यहाँ पे USB पोर्ट, ऑक्स पोर्ट मिल जाएंगे, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। तो ये गियर लीवर, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं TCS को ऑन एंड ऑफ करने के लिए कंट्रोल, दो कप होल्डर्स, और पीछे रेयर पैसेंजर्स के लिए बॉटल्स रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो ठीक ठाक स्पेस है ग्लव बॉक्स में, नॉमिनल स्पेस है। एयरबैग, को ड्राइवर साइड भी मिलेगा आपको, को ड्राइवर साइड सनशेड पे वैनिटी मिरर मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं सेंटर केबिन लाइट्स, और ECM, IRVM मिलता है, और ड्राइवर साइड सनशेड पे भी वैनिटी मिरर मिलेगा। जिस तरह का लुक आएगा फ्रंट डैशबोर्ड का ड्राइवर सीट से। चलिए अब आपको एक बार रियर पैसेंजर कैबिन दिखा देता हूँ। कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो टोटल 7 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है फिगर स्पायर, ये आप देख रहे हैं व्हाइट गोल्ड। ये आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड डोर, यहाँ पे भी आपको डुअल ट्रीटमेंट मिलेगा, ब्लैक कलर के इंसर्ट्स मिल जाएंगे डोर आर्मरेस्ट पे, पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर ओपनर ब्लैक कलर का, और कुछ इस तरह का लुक आएगा रियर पैसेंजर कैबिन का। फ्रंट एंड रियर दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, और आर्मरेस्ट दिया गया रियर पैसेंजर्स के लिए, मगर कप होल्डर नहीं मिलते आर्मरेस्ट में। और कुछ इस तरह का लुक आएगा फ्रंट डैशबोर्ड का रियर पैसेंजर कैबिन से। रियर पैसेंजर्स के लिए लाइट्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ फ्रंट में ही मिलेंगी आपको कैबिन लाइट्स। चलिए अब मैं आपको एक बार फिगो एस्पायर का इंजन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल इंजन के बारे में, तो अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लेंगे तो वहाँ में मिलेगा 1.2 लीटर का इंजन, और अगर हम पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें मिलेगा 1.5 लीटर का इंजन। और अब बात करें डीजल की, तो डीजल में हमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन ही अवेलेबल है, जहाँ पर हमें मिलेगा 1.5 लीटर इंजन। पेट्रोल में हमें 42 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और अगर हम डीजल इंजन लेंगे तो 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।